सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले FY का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो यूनिट 2 है ग्रुप कम्युनिकेशन, उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, उसका आज लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, सो पिछले लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था, आज लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। सो ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर 2 है। सो देखो, बेसिकली आज का ये जो टॉपिक है हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, बेसिकली उसके इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हो कि ग्रुप डिस्कशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत है, वो ज़रूरी होती है, तब जाकर एक ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं बेसिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया एक एक करके बेसिकली जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके चीज़ें हैं जिसको ज़रूरी रहती है ग्रुप डिस्कशन करने के लिए। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, सबको समझते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, और ये पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए ध्यान से देखो टॉपिक को। तो देखो, बेसिकली सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जो चीज़ होती है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, वो होता है पर्पस। ठीक है, अब पर्पस क्या होता है? तो देखो, पर्पस बेसिकली हम उसे बोलते हैं जो यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो देर मस्ट बी अ वेल डिफाइंड पर्पस एज फार एज ग्रुप डिस्कशन इज कंसर्नड। द नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन शुड बी आइडेंटिफाइड। एवरी मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन नीड टू बी फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड नीड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। इफ अ ग्रुप डिस्कशन डूज not have a definite purpose, then the group would aimlessly waste time in discussing irrelevant issues or situations. तो देखो, इसका मतलब क्या होता है? देखो, पर्पस का मतलब क्या होता है? पर्पस का मतलब होता है कोई भी जो हमारा गोल होता है, जो मेन हमारा एक रहता है ना गोल, कि भैया ये हमें चाहिए, तो उसको हम पर्पस बोलते हैं। तो बेसिकली देखो, जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई बैंक है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मान लो एंट्रेंस एग्जाम होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, अब टेस्ट में मान लो 10 लोग पास हो गए। ठीक है, तो अब 10 लोगों का जब ग्रुप डिस्कशन टेस्ट लिया जाएगा, GD राउंड होगा उनका, कि भैया 10 लोगों एक ही रूम के अंदर बैठा दिया जाएगा। तो अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि ठीक है, मान लो एग्जामिनर जो है उनको कोई भी टॉपिक नहीं देता, ठीक है, एग्जामिनर आराम से उधर बैठ जाता है कुर्सी में, और जितने भी 10 लोग बैठे हुए रहते हैं उनको बोलते हैं चलो भैया तुम लोग डिस्कशन चालू कर दो अपना, हम देखेंगे तुम कितना अच्छा, मतलब तुम लोग किस तरह से बातचीत कर रहे हो, उस हिसाब से हम तुमको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लो एग्जामिनर ने उनको कोई टॉपिक ही नहीं दिया है, तो ऐसे टाइम पर उन लोग बात किस चीज़ के ऊपर करेंगे, किस टॉपिक के ऊपर? सब एक दूसरे का, पहली बात तो 10 मिनट तक मूवी देखेंगे, ठीक है, कौन क्या बोल दे, ठीक है, कुछ बोलेगा, कोई स्टार्ट करेगा, तब ना कुछ मतलब बातचीत चालू होगी कि हाँ भैया इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले तो देखो, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, किसी को समझ आ नहीं रहेगा, तो उसी में कोई कुछ स्टार्टिंग मतलब किसी को जोश चढ़ेगा तो वो कुछ बोल भी देगा। तो देखोगे ज़्यादातर उसमें कोई भी मतलब फालतू फालतू टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर बातचीत होगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो जो हमारा ग्रुप डिस्कशन हो उसके लिए एक पर्पस डिफाइन कर दिया जाए। पर्पस बेसिकली कि मतलब किस चीज़ से, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, कि भैया जैसे मान लो देश में गरीबी बहुत है, तो बताओ गरीबी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यही टॉपिक है, बताओ इससे रिलेटेड आप अपना सॉल्यूशन बता देना। ठीक है, आधे घंटे का टाइम देते हैं, तो ऐसे टाइम पे वो डिस्कशन अच्छा हो सकता है, इसलिए पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेंबर्स को पता रहना चाहिए कि भैया हमको किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना है, ताकि वो इसी हिसाब से बता सके, एडवाइस दे सके, आइडियाज़ दे सके, अपनी इन्फॉर्मेशन दे सके। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो, दूसरा जो बेसिकली इंग्रेडिएंट होता है ग्रुप डिस्कशन का, वो होता है प्लानिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन मस्ट बी प्लानड इन एडवांस। The member of the group must be well informed in advance about the problem. Proper date, time and place of the group discussion must be decided in advance. Such planning is required so that the group members कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन। मतलब क्या है बेसिकली कि देखो, अब नॉर्मली देखो कई बार होता है ग्रुप डिस्कशन, देखो ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए और वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कंपनी के अंदर मीटिंग चल रही है, ठीक है, अब मीटिंग भी एक तरीके का देखोगे वो भी एक ग्रुप डिस्कशन ही है। ठीक है, तो अगर मान लो कि जितने भी वहाँ पे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग आने वाले हैं मीटिंग के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर 10 लोग आने वाले हैं बातचीत करने वाले, तो पहले ही उन्हें बेसिकली उन टॉपिक से बारे में बताना चाहिए। जैसे मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कोई कंपनी, हमारी कंपनी है भैया XYZ कंपनी है, और हमारी जो कंपनी है उसका एक महीने से सेल्स बहुत कम हो रहा है। ठीक है भैया, धंधा अभी जो है मंदी में चल रहा है, पैसा कमा नहीं रहे, हम लोग लूट रहे हैं, पूरा लॉस में चल रही है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर हमारे जितने भी वो मेंबर्स होंगे, जो भी लोग होंगे,
जिनको भी हम अपने ग्रुप डिस्कशन में डालने वाले हैं, तो उन लोगों को पहले से हम बता देंगे, देखो भैया कल जो है हमारी मीटिंग होने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड, कि देखो हमारा कंपनी का सेल्स बहुत कम हो रहा है तो कैसे सेल्स को बढ़ाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड मीटिंग होने वाली है कल, ठीक है। तो कल इतने टाइम पर इतने बजे हमारे ये जो मीटिंग रूम है यहाँ पर आ जाना तुम लोग, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे, ताकि अगर देखोगे ऐसे टाइम पर देखोगे, जो जितने भी मेंबर्स होंगे, जो भी लोग होंगे जो उस मीटिंग के अंदर उस ग्रुप डिस्कशन में आने वाले हैं, वो अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि भैया जितने भी इन्फॉर्मेशन रहेंगी कि भैया हम क्या करेंगे कि हमारी कंपनी के अंदर सेल्स बढ़ जाए, कि एडवर्टाइजमेंट करने से होगा या फिर और कुछ करना होगा, प्राइस को कम करना होगा या फिर क्वालिटी को बेटर करना है, वो सारी चीज़ें वो प्लान कर पाएंगे, ताकि जो भी कल मतलब चीज़ें होने वाली है, जो भी कल मतलब ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, उनके वो सॉल्यूशन दे सके, ठीक है। तो इसलिए पहले से आप प्लानिंग करके रखनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन की, कि भैया ग्रुप डिस्कशन जो है वो होने किस चीज़ के बारे में वाला है, प्रॉब्लम क्या है और कब होने वाला है, डेट पहले से बता देनी चाहिए। कि अगर जैसे आप मीटिंग चलने वाली है कि भैया हमारी कंपनी की बहुत ज़्यादा कम सेल्स हो रही है, तो पहले से उसके बारे में बता के रखना चाहिए जो भी मेंबर्स है, ताकि वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए, ठीक है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मान लो जैसे आप कोई कंपनी बैंक है, ठीक है, और बैंक में आप काम करना चाहते हो और वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन राउंड हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर भी देखोगे तो वहाँ पर भी एडवांस में आपको प्लानिंग करने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि आपको 10-15 मिनट दिए जाते हैं कि भैया हम आपको टॉपिक बता दे रहे हैं, अब उससे रिलेटेड आपको जितना 10-15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप उतने टाइम में प्रिपेयर कर लो और उसके बाद आपको डायरेक्टली फिर स्टार्ट कर देना आपका ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो उस ऐसे टाइम पर भी देखोगे तो आपको प्लानिंग करने का कुछ टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन के लिए दूसरा इंग्रेडिएंट होता है प्लानिंग, ओके। तो देखो तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट होता है ग्रुप डिस्कशन का, वो होता है पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि देखो जितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, मान लोगे जैसे कि 10 लोग बैठे हुए, तो जो 10 के 10 लोग होते हैं, हर एक आदमी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर। मतलब क्या कि अगर मान लो 10 लोग हैं, 10 में से मान लो राजू और सुरेश जो है उन लोग कुछ नहीं बोल रहे, उन लोग चुपचाप बैठे हुए पूरा आधा घंटा हुआ है, अभी तक एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ग्रुप डिस्कशन कुछ अधूरा अधूरा लगेगा, भैया 10 में से 8 लोग बोल रहे हैं और 2 लोग चुपचाप बैठे हुए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर कुछ लोगों को, यानी मान लो जैसे मान लो ग्रुप डिस्कशन का जो भी लीडर होगा, ठीक है, कोई लीडर है या फिर लीडर नहीं है तो कोई भी पर्सन है उस ग्रुप डिस्कशन में, तो उसे ऐसा बोलना चाहिए कि देखो मेरी ये राय है, मैंने अपना आइडिया बता दिया, अब मैं इससे रिलेटेड सुरेश से जानना चाहता हूँ या फिर राजू से जानना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहता है, ताकि उन्हें भी मौका मिल सके बेसिकली बोलने का, ठीक है। तो इसलिए तीसरा इंग्रेडिएंट रहता है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी हर एक आदमी जो होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो एक्टिवली मतलब रहता है ना कि भैया हम सब बोल रहे हैं, सबके जितने भी लोग हैं सब अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन हर एक आदमी का होना चाहिए, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक बात मतलब कम्युनिकेट करने चाहिए, कोई भी एक आदमी ऐसा ना निकले कि भैया कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एक्टिवली हर एक आदमी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सब अपने अपने ओपिनियन सॉल्यूशन सजेशन सारी चीज़ें दे रहे हो, ओके। उसके बाद चौथी चीज़ होती है प्रॉपर एटमॉस्फियर। प्रॉपर एटमॉस्फियर का मतलब होता है बेसिकली कि मतलब आपके आसपास का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फियर होता है, वो साफ़ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया हमको गार्डन में बैठकर पार्टी मतलब अपना ग्रुप डिस्कशन करना है। एटमॉस्फियर का यहाँ पर मतलब इससे है कि जैसे रहता है ना चिल्लम चिल्ली का रहता है, कोई गाली दे रहा रहता है, कोई गाली गलौज कर रहा रहता है, कोई किसी को चिल्ला रहता है, कोई किसी को फेंक के कुछ मार देता है, तो मतलब ये एक थोड़ा मतलब ख़राब सिचुएशन हो जाती है, नहीं रहता है मतलब रहता है कि भैया कुछ बोल दूंगा तो मालूम पड़ा सामने वाला गाली देने लग जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, या फिर मालूम पड़ा उठा के कुछ मार दिया, ठीक है। तो ये एक टाइप का रहता है, जैसे मान लो मीटिंग चल रही है, ठीक है, अब मीटिंग में मान लो कि जो बॉस है वो एम्प्लॉइज़ लोग के ऊपर बहुत गुस्सा है, ठीक है, और वहाँ पे मीटिंग में एम्प्लॉइज़ लोग भी बैठे हो, जो सर रहेगा मान लो जो बॉस रहेगा वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि देखो तुम्हारे वजह से ये हुआ था, तुम लोगों की गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो ये जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर एटमॉस्फियर बहुत बेकार है, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय कुछ बोल देता है, सर ये इसमें आपकी गलती थी, आपने ही तो ये हमें बोला था, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है उसको बोल दे फायर, निकल कंपनी से, ज़्यादा बोल रहा है, तो मतलब देखोगे एटमॉस्फियर ख़राब रहेगा, जिसकी वजह से जितने भी उसमें कैंडिडेट्स मेंबर्स होंगे वो डरेंगे मतलब बोलने के लिए कुछ भी, ठीक है, कि भैया मान लो कुछ बोल दिया और बॉस ने हमको निकाल दिया कंपनी से, तो इसलिए ऐसा जो ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसका एटमॉस्फियर अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, कि जो सामने वाला हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हंसते हंसते बोले,
हो सकता है वो सीरियस मूड में रहे लेकिन गुस्से में ना बोले, ठीक है, एक कामली शांति से सारी चीज़ें बोल रहा हो ताकि सामने वाला डरे ना कि भैया बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मालूम पड़ा कुछ उठा के फेंक दिया मेरे ऊपर, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छा प्रॉपर एटमोसफियर बनाकर, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाकर रखना चाहिए ताकि डरे ना आपको कुछ भी बताने से, कुछ भी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी बोलने से। ये हो सकता है मान लो आप ही की कोई गलती थी तो डरे ना वो बोलने से, ठीक है। एक रहता है ना जेन्युइन ओपिनियन जो भी उसका है वो दे पाए, ठीक है, व्यू अपना ओपिनियन जो भी है वो दे पाएगा, ठीक है, अगर अच्छा एटमोसफियर बना पाते हो, पॉजिटिव एटमोसफियर। तो ये चौथा इंग्रेडिएंट होता है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो। उसके बाद देखो पांचवी जो चीज़ होती है मतलब ग्रुप डिस्कशन के अंदर, वो होता है प्रॉपर नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब क्या कि देखो जो ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आपने सिर्फ दो लोग बैठे हुए और ग्रुप डिस्कशन हो रही है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करने के लिए एक प्रॉपर नंबर होता है जितने लोग होने चाहिए ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि 100-200 लोगों को आपने बैठा दिया सब मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर आप एवरेज बोल सकते हो, नॉर्मली 8 से 10 लोग रहते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, और एवरेज अगर रखोगे तो एवरेज 6 लोग होने चाहिए मिनिमम, मतलब कि 6 लोग कम से कम अगर रहते हैं तो आप इसे एक अच्छा हेल्दी ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हो। क्योंकि देखो अगर 6 लोग रहते हैं तो कम लोग हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं है और ज़्यादा कम लोग भी नहीं है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा ग्रुप डिस्कशन हो पाएगा। सब अपने अपने ओपिनियन भी दे पाएंगे, सबको चांस भी मिल पाएगा बोलने का और सब अपना अपनी राय दे पाएंगे। वहीं पर अगर मान लो 100 लोग हैं तो एक आदमी बोल पाएगा, एक आदमी नहीं बोल पाएगा, ठीक है। मतलब 100 लोग हैं, मान लो हर एक आदमी अगर 10-10 मिनट भी बोलता है तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखो उस ऐसे टाइम पर बहुत कम ही लोग बोल पाएंगे, कुछ लोग बोल पाएंगे, कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे, अपना राय नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इतने ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर, या फिर कुछ लिमिटेड ही होने चाहिए कि मतलब 6 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक एवरेज माना जाता है कि 6 लोग होंगे तो बहुत मस्त रहेगा, ठीक है। 6 लोग में अच्छा ग्रुप डिस्कशन हो पाएगा, नहीं तो 8 से 10 भी एवरेज ठीक ही रहता है, ठीक है। तो मतलब ये एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए मेंबर्स का कि उतने ही लोग होने चाहिए ग्रुप डिस्कशन के, ज़्यादा अगर लोग रहते हैं तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आप 6 से थोड़ा ज़्यादा भी रखते हो, 8-10 भी रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा कम भी रखते हो, 5 रखते हो, 4 रखते हो तो भी ठीक रहता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2 ही लोग बैठकर ग्रुप डिस्कशन हो रहे थे, फिर वो ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद देखो छठवां जो इंग्रेडिएंट होता है ग्रुप डिस्कशन का वो होता है प्रॉपर लीडरशिप, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जो भी ग्रुप डिस्कशन होता है, देखो नॉर्मली ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन, अब जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, और कंपनी के अंदर अगर आप GD राउंड चल रहा है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का राउंड चल रहा है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी को भी लीडर नहीं बनाया जाता है। बट अगर मान लो कंपनी के अंदर मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी एक आदमी लीडर बन सकता है, ठीक है। वो लीडर कोई भी बना सकता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन दे रहती है, वो खुद भी किसी को लीडर बना सकती है। जैसे मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे कि मान लो आप जब 9वीं-10वीं में थे, ठीक है, आप जब 9वीं-10वीं में थे तो आपने मे बी साइंस का बुक में देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो कि साइंस के बुक में, देखो आपने यूज योर ब्रेन पावर पढ़ा है, तो वैसे उसके अंदर कभी कभी साइंस के बुक के अंदर या फिर ज्योग्राफी के बुक के अंदर ये भी रहता था कि डिस्कस विथ यूर फ्रेंड, ये लिखा रहता था, ठीक है। जैसे यूज यूर ब्रेन पावर रहता था ना, वैसे डिस्कस विथ यूर फ्रेंड भी रहता था ये टॉपिक, ठीक है, जब आप 9वीं-10वीं में थे। तो उसमें रहता क्या था कि भैया कोई भी टॉपिक रहता था और उसको आपको दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, और डिस्कस दोस्तों के साथ डिस्कस करने का मतलब वही हो गया ग्रुप डिस्कशन आपको करना है, ठीक है। तो मैडम कई बार बोलती भी थी भैया आपको ये डिस्कस करना है, वैसे तो कोई करता नहीं था इसलिए मैडम भी कुछ नहीं बोलती थी, ठीक है, ज़्यादातर। तो अगर मान लो आप बोलते हो मैडम को, ठीक है मैडम हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, हम 5 लोग हैं या फिर 10 लोग हैं, सब मिलकर डिस्कशन करने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल। तो ऐसे टाइम पर मैडम क्या करेगी, देखो कि अब 10 लोग हैं, मान लो 10 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैडम हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पर मैडम क्या करेगी कि उन 10 बच्चे में से देखेगी कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा, मान लो एक बच्चा है जिसको 80-90% आते हैं, तो मैडम क्या करेगी कि वो जो स्मार्ट बच्चा है उसको बोलेगी देख मैं तेरे को ये जो ग्रुप है इनका लीडर बना देती हूँ, और तू जो है बेसिकली जो भी इनका कंक्लूजन निकलेगा या फिर मान लो कल को इनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनको संभालेगा, अच्छे तरीके से सारे सॉल्यूशन निकालेगा, और जो भी उनका सॉल्यूशन निकलेगा तू मेरे को आकर बता देना, ठीक है। तो मैडम उनमें से एक लीडर बना देती है। तो बेसिकली इसी तरह से ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना एक बेसिकली ग्रुप डिस्कशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी भी एक आदमी को ऑर्गेनाइजेशन लीडर बना देती है। नहीं तो कई बार ये भी होता है कि जो ग्रुप के जो लोग होते हैं वो खुद अपने में से किसी एक आदमी को सिलेक्ट कर देते हैं, भैया हम इसको अपना लीडर बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये लीडर बना देती है। अब वो जो लीडर होता है उसके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली लीडरशिप स्किल का मतलब क्या होता है, तो देखो लीडरशिप स्किल मतलब कि उनको उसको संभालने आना चाहिए, मेंटेन करने आना चाहिए अपने जितने भी मतलब लोग हैं उसके ग्रुप के अंदर, कि भैया कोई झगड़ा झगड़ी चल रहा है, मान लो किसी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं तू सही नहीं बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर उसको मेंटेन करने आना चाहिए, भैया दोनों को संभालने आना चाहिए ताकि झगड़ा झगड़ी ना बढ़े, ठीक है। बेसिकली कह सकते हो
कि ऑर्गेनाइजेशन को संभालने का जो एक लीडरशिप रहता है कि जितने भी लोग हैं उसके साथ में उन सबको एक साथ लेके चले और कि उनके बीच में कोई भी झगड़ा झूड़ी ना हो, इसको देखते हुए, तो उसी को हम लीडरशिप स्किल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर अगर एक अच्छा लीडरशिप स्किल रहता है तो आप अच्छे तरीके से लोगों को कंट्रोल कर पाओगे और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा झगड़ी हो जाती है, तो उसे भी संभाल पाओगे। ठीक है, वैसे ही मान लो आप कोई लीडर बना दिए मैडम ने, ठीक है कि भैया 10 बच्चे उसमें से आपको लीडर बना दिया, तो आप अगर मान लो कोई दो बच्चे एक दूसरे में झगड़ा झगड़ी करते हैं, तू गलत बोल रहा है, तो ऐसे टाइम पर बेसिकली आप समझा सकते हो, नहीं 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 देखो ये वाले सही चीज़ है, ये थोड़ा गलत है भाई, देख ले ये ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद वो भी समझ जाएगा, उसके बाद झगड़ा झगड़ी शांत हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से एक लीडर बनाना रहता है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये भी एक मतलब 6th इंग्रेडिएंट रहता है जो होता है एक प्रॉपर लीडरशिप, ये एक लीडर बना दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरीके से जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें संभाल सके। इसके लिए एक अच्छा प्रॉपर प्लेस हमें सिलेक्ट करके रखना है कि मतलब कौन से प्लेस के अंदर हम अपना ग्रुप डिस्कशन करने वाले, ऐसे नहीं कि किधर भी अपना ग्रुप डिस्कशन चालू कर दे। ठीक है, तो एक अच्छा प्लेस हमें सिलेक्ट करना है जहाँ पर मतलब कह सकते हैं, जैसा मान लो आपको कंपनी के बारे में रिलेटेड बात करनी है कि कंपनी के अंदर सेल्स बहुत कम हो रहे हैं, तो ऐसे डिस्कशन जो होते हैं वो नॉर्मली कंपनी के अंदर ही किए जाते हैं। ठीक है, कंपनी के अंदर एक मीटिंग रूम रहता है जहाँ पर ऐसे मतलब डिस्कशन किए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस। ओके, तो बेसिकली एक प्रॉपर प्लेस आपको सिलेक्ट करना रहता है अपने ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो ये 7th इंग्रेडिएंट रहता है। उसके बाद देखो 8वां जो इंग्रेडिएंट रहता है वो होता है प्रॉपर टाइमिंग। मतलब क्या, एक आपको फिक्स टाइम बताना रहता है अपने मेंबर्स को कि भैया हम अपना ग्रुप डिस्कशन करने कब वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर मीटिंग करने वाले हैं तो कब करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हो सकता है, जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई अर्जेंट मीटिंग हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है, कई बार होता है रात को मीटिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर एक रहता है ना, एक फिक्स टाइम बताना रहता है अपने मेंबर्स को। ठीक है, कि भैया हम इतने बजे अपना मीटिंग करने वाले, तो आप लोग आ जाना मीटिंग के अंदर अपना सब रेडी वेडी करके, और ये प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रॉपर हमें टाइमिंग बतानी रहती है। ठीक है, एक ग्रुप डिस्कशन के लिए कि भैया इतने बजे हमको करना है। अब वो टाइमिंग जो रहते हैं वो हमें टॉपिक्स रिलेटेड ही मतलब डिसाइड करना रहता है। ठीक है, अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट टॉपिक रहता है तो हम फिर जो भी अर्जेंट टाइम रहता है उसी में कर देते हैं। बट अगर मान लो जैसे आप सेल्स से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है, भैया हमारी कंपनी में सेल्स बहुत कम हो रहे, तो नॉर्मली देखोगे तो ये रात के 12 बजे या फिर 2 बजे नहीं ये डिस्कशन किया जाता है कि रात के 2 बजे बैठकर सब लोग कंपनी के अंदर लोग बैठे हुए और डिस्कस करें। उस टाइम पर कौन सी बातें की जाती है, जो सीक्रेट बातें होती है। ठीक है, कि भैया बहुत सारा सीक्रेट बातें, इसलिए रात के 2 बजे बैठकर डिस्कस किया जा रहा है वो सारी चीज़ें। तो जो भी टॉपिक रहता है उस हिसाब से बेसिकली टाइमिंग फिक्स की जाती है कि हम कितने बजे डिस्कशन करेंगे। जैसे अब नॉर्मल टॉपिक है, भैया हमारी कंपनी के सेल्स बढ़ाने हैं, तो वो हम नॉर्मली कितने बजे करेंगे, तो 10-11 बजे कर देंगे दिन के टाइम में। तो एक प्रॉपर टाइमिंग आपको फिक्स करनी है कि बेसिकली हमारा ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो कब किया जाएगा, कितने बजे। ठीक है, तो ये हमारा 8th इंग्रेडिएंट रहता है कि बेसिकली हमें टाइम फिक्स करना रहता है। ओके, उसके बाद देखो 9th और आखिरी जो इंग्रेडिएंट रहता है वो होता है प्रॉपर फॉलोअप। मतलब क्या कि देखो, अब सारी चीज़ें जब हो जाती है, हमने टाइम फिक्स कर दिया, लोग आ गए, बेसिकली ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, कंक्लूजन भी निकल गया, जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन भी निकल गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकलने के बाद, अब जैसे मान लो स्कूल का ही था कि मान लो मैडम ने हमको बोला था, भैया तुम्हारा ये टॉपिक है, मान लो कि गरीब मतलब कोई भी टॉपिक है, तो जो भी अब प्रॉब्लम मैडम ने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, तो आपने बहुत मेहनत करके बहुत सारा डिस्कशन किया, बातचीत की, तब जाकर आपको सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब आप जो बेसिकली सॉल्यूशन है वो मैडम को दोगे, मैडम ये देखो ये सॉल्यूशन हमको मिल गया है। ठीक है, अब आप जब मैडम को सॉल्यूशन दे दोगे तो ऐसा नहीं कि आप देने के बाद आप जाओगे घर पे बैठ कर सो जाओगे, आराम से खाना पीना खाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, मैडम का रिएक्शन देखोगे कि भैया हमने सॉल्यूशन दिखाया, मैडम क्या बोल रही है। ठीक है, मैडम बोल रही है सही है, बोल रही है कि गलत बोल रही है। ठीक है, उसके बाद मैडम जब उसका सॉल्यूशन देख लेगी, फिर उसको मैडम हो सकता है इंप्लीमेंट भी करे। जैसे मान लो कंपनी के अंदर ही मान लो आपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पहले देखेगी, मान लो कंपनी का जो बॉस होगा वो देखेगा उसको, आप उसको देखोगे बॉस को कि भैया बॉस का क्या रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो बॉस अच्छा रिएक्शन देता है तो उसके बाद भी नहीं कि आप चुप हो जाओगे, आप ये देखोगे अब बॉस जो है जब उसे इंप्लीमेंट करेगा, उस प्लान को इस्तेमाल करेगा, तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या सही में हमारे सेल्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, क्या मेरा प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप ये देखोगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉलोअप करोगे। फॉलोअप का मतलब होता है कि आपने जो भी आप सॉल्यूशन दे दिया तो आप ये देखोगे क्या वो सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि देने के बाद चलो आप आराम से सो जाते हैं घर पर खाना पीना खा के। ओके, तो बेसिकली यही इंग्रेडिएंट रहता है ग्रुप डिस्कशन का कि जब डिस्कशन ख़त्म हो जाता है, सारी चीज़ें निकल जाती है, कंक्लूजन सॉल्यूशन निकल जाता है, तो ऐसे टाइम पर देने के बाद मतलब जो भी सॉल्यूशन उसको देने के बाद हम ये देखते हैं कि सामने वाले का रिएक्शन कैसा है, उसको इस्तेमाल कर सही में वो सही है या फिर गलत है, तो एक प्रॉपर फॉलोअप किया जाता है। ठीक है, कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है ये देखा जाता है। सो बेसिकली यही सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे ग्रुप डिस्कशन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मे बी आपको ये 9 के 9 जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे।
अब देखो यहाँ पे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ ही रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पर आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उन वीडियोज़ को भी देख सकोगे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी लॉन्ग डाउट्स या फिर बड़े क्वेश्चंस अगर आपको रहते हैं या फिर अगर फीचर्स से आने वाले फीचर में जो आने वाले वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको अपडेट्स चाहिए रहेंगे तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप फॉलो करने के बाद जो भी आपके डाउट्स या फिर क्वेश्चन रहेगा पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो आपके लिए बेसिकली एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, एक दो दिन हो गया तब देख रहे हो, तो यहाँ पर मे बी आपको नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो यहाँ पर आप चेकआउट एक बार कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी यहाँ पर आ गई होगी, तो यहाँ से आप चेकआउट करके नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।